सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है टाइप्स ऑफ कॉलम फेलियर, कि जो हमारे कॉलम होते हैं उनमें कौन से फेलियर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, दो मेन टाइप के जो है कॉलम फेलियर होते हैं। पहला है फ्रेंड्स हमारे पास जो होता है कंप्रेशन फेलियर, और दूसरा होता है जो है बकलिंग फेलियर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कॉलम फेलियर तब होता है जब उसके ऊपर जितनी अमाउंट के लिए हमने वो डिज़ाइन किया हुआ है बेयर करने की, जितनी लोड की अमाउंट उसके ऊपर बेयर करने के लिए हमने उसे डिज़ाइन किया हुआ होता है, जब उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड आ जाता है तब फ्रेंड्स कॉलम जो है हमारा वो फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला जो मेन फेलियर होता है वो है कंप्रेशन फेलियर। कंप्रेशन फेलियर फ्रेंड्स क्या होता है, व्हेन द एक्सियली लोडेड स्ट्रेस ऑफ अ कॉलम एक्सीड्स इट्स अलाउएबल स्ट्रेस देन कॉलम स्टार्ट टू फेल। मतलब जब एक्सियली लोडेड जो है उसके ऊपर स्ट्रेसेस होते हैं कॉलम के, वो एक्सीड कर जाते हैं अलाउएबल स्ट्रेस, मतलब जितना उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि इतने जितना ये स्ट्रेस ले सकता है, अलाउएबल स्ट्रेस जितना हम उसके ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ उस जो लिमिट से जब हमारा जो है लोड बढ़ जाता है तब फ्रेंड जो हमारा कॉलम जो है वो फेल हो जाता है। तो वो फ्रेंड जो होता है वो हमारा होता है कंप्रेशन फेलियर। तो ये हमारा फ्रेंड जो फेलियर होता है वो होता है हमारा कंप्रेशन फेलियर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख ही रहे हैं, कुछ इस तरीके का जो है फ्रेंड्स वो फेलियर होता है कंप्रेशन। ये आप देख सकते हैं बीच में से जो है कुछ इस तरीके से जो है वो कॉलम फेल हो जाता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा बकलिंग फेलियर। बकलिंग फेलियर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो बकलिंग फेलियर होता है वो लंबे और सिलेंड्रिकल कॉलम्स में ज़्यादातर होता है। और फ्रेंड्स, इसका जो है फ्रेंड जो मेन दो कारण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारा कॉलम होता है उसकी लेंथ, या कहें हम लीस्ट डायमेंशन, वो ग्रेटर देन 12 होती है, और जो उसकी स्लेंडरनेस होती है, जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है फ्रेंड्स, वो होती है 45 से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देन इन सच कंडीशन कॉलम स्टार्टेड टू बकलिंग। ये फ्रेंड्स काफ़ी जो है लंबे सिलेंडर टाइप जो है हमारे पास कॉलम हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पेन है तो कुछ इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये जो है कॉलम्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, बीच में से बकलिंग होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख ही रहे हैं। ये जो है फ्रेंड्स एक तरफ से साइड को एक तरफ से झुक जाते हैं, एक तरफ से बैंड हो जाते हैं सॉरी। तो फ्रेंड्स, उस तरीके से जो है हमारे पास जो है बकलिंग फेलियर होता है कॉलम में। तो फ्रेंड्स, ये मेनली किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारी जो लेंथ या कहें हम लीस्ट डायमेंशन होती है वो ग्रेटर देन 12 होती है, या सिलेंडरनेस रेशो है वो 45 से ज़्यादा होती है सिलेंडरनेस रेशो, इस जो हम कॉलम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में जो है हमारा कॉलम फेलियर होता है, और वो भी कौन सा फेलियर होता है, वो बकलिंग फेलियर होता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं दो मेन तरह के, कंप्रेशन फेलियर और बकलिंग फेलियर, जो कि कॉलम्स के मेन फेलियर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी इन्हें डिज़ाइन करना है ये ध्यान रखना होता है कि जो हम कॉलम बकलिंग में जो हमारा फेलियर हो रहा होता है कॉलम, वो हमें डिज़ाइन करें तो ज़्यादा लंबा कॉलम ना डिज़ाइन करें, और जो इन दोनों फैक्ट्स का जो है ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमारे दो फेलियर्स मेन होते हैं कॉलम में, कंप्रेशन फेलियर एंड बकलिंग फेलियर। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।